Hi everyone, namaste, good morning and welcome to my channel. So aaj hai Friday and I'm vlogging today. So देखते हैं आज क्या व्लॉग में होने वाला है. अभी सुबह उठे ही हैं, मतलब अभी थोड़ा फ्रेशन अप हुआ है, सुबह उठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में क्या हो रहा है, चाय है एंड चाय के साथ वही पार्ले जी डिप कर करके खाने वाले हैं. तो मैं यूजुअली चाय ऐसे पीती नहीं हूँ, नॉर्मली जो नॉर्मल चाय होती है ना मैं पीती ही नहीं हूँ. अंटिल अनलेस मेरा गला ख़राब ना हो या मुझे टॉन्सिल्स ना हो रहे हो या मुझे सर्दी है या ठंडी हो रही है तभी मेरा पीने का मन करता है. अदरवाइज़ ऐसे समर्स में और ऐसे वेदर में तो मैं पी नहीं सकती क्योंकि मेरे पेट में आग लग जाती है. अगर मैंने चाय पी लिया तो एसिडिटी हो जाती है, आग लग जाती है, ऐसा होता है. सेम विद कॉफ़ी एज वेल. गर्म चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मेरी तासीर गर्म है क्योंकि अंदर की, तो मुझे ठंडा पीना ज़्यादा पसंद है. तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ, बिस्किट्स जो होते हैं वो डिप कर करके खा लेती हूँ. ऐसे में मेरा चाय का वो हो जाता है थोड़ा बहुत, कभी कभार मन करता है तो वही अभी हम लोग करने वाले हैं, वही मैं करूँगी. और या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड टुडे. एंड ऑल्सो आज मैं एक DIY करने वाली हूँ. तो बेसिकली ये जो DIY है ये मैं करूँगी अपने जो इंस्टाग्राम पेज है स्टाइल का स्पेस, उसमें मैंने काफ़ी दिन से कुछ अपडेट नहीं किया है. तो या तो मैं उसमें ना डेली अपडेट करने लग जाती हूँ, 10-15-20 दिन डेली डालूंगी, मैं एकदम गायब हो जाती हूँ, एक महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाती हूँ उसमें से, जो कि बहुत गलत हैबिट है. तो मुझे कैसे भी करके अब उसमें कंसिस्टेंट रहना है. और तो आज मैं सोच रही हूँ कि उसमें कम बैक करते हैं, मतलब उसमें उसके लिए मैं डालने वाली हूँ एक रील. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रील है और काफ़ी ईजी सा DIY, बट बहुत सुंदर लगने वाला है. बनाया नहीं है बट मुझे पता है कि वो बनने के बाद बहुत क्यूट लगेगा. तो वो आज मैं करने वाली हूँ. और अभी बस वही घर के छोटे मोटे काम स्टार्ट करते हैं. अभी मैं अपना वाला वीडियो देख रही थी, हम लोग वो देख रहे थे जो 2019 में हमारे घर पे शादी थी मेरी मासी के घर पे, तो जो डांस वाला वीडियो डाला था ना, वो 1.7 मिलियन चल रहा है अभी. और उसमें नीचे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स हैं, मतलब लिटरली इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स हैं. तो जब भी मेरे को ऐसा याद आता है मस्ती वाला एंड ऑल दैट, तो मैं वो वीडियो लगा के देख लेती हूँ, मेरी मम्मी और मासी का डांस, उसके बाद मेरा जो डांस है वो लास्ट शादी थी हमारे घर में, लास्ट मतलब कोविड के पहले की. उसके बाद तो फिर ये कोविड वाला सिनेरियो आ गया 2020 में, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है. उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी. ये हमारा डाइनिंग टेबल का मेस है, इवन इस पर ये दिख रहा है ये गंदा वंदा, तो ये सब मुझे क्लीन करना है. जो मैट फिनिश की जो वुड होती है ना, इसमें दिक्कत ये कि क्लीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब. और किस किस को ये मूसली पसंद आती है बहुत ज़्यादा, मूसली किस किस की फेवरेट है बताना ज़रूर. मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं सिर्फ मूसली तब खा सकती हूँ जब जीवन में खाने को कुछ नहीं है और इतनी तेज़ भूख लग रही है, तो फटाफट वाला फिर मूसली खा पाती हूँ मैं. वो भी ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मतलब बहुत ऐसे फेवरेट नहीं है मेरी, खा लेती हूँ अगर भूख बहुत लग रही होती है और कुछ है नहीं खाने के लिए तो ही. कि सेल क्यों, हेलो ये सेल है, ये देखो कैसे बैठा हुआ है सुबह सुबह. मुझे बताओ ये सेल कैसा है, तो ये डाइनिंग टेबल पे रखते हैं. फेंक, मैंने आपको बोला था आपने नहीं फेंका, आपकी गलती है. वाह ये भी मैं फेंकूं, देख लो दोस्तों. अब ये क्लीन हुआ, अब इसको थोड़ा पोंछ दूंगी. अरे वो मैं क्लीनिंग कर रही थी तो फैन ऑन करके कर रही थी, बंद कर दे रहा सारे रूम के. तो अभी ना हम लोगों ने अमेज़न से एक बहुत अच्छी चीज़ मंगवाई, विक्की ने पसंद करी थी, उसने देखा और बोलता है ये मंगवा लो भी, बहुत अच्छी चीज़ है. मैं पहले थोड़ा वो कर रही थी कि अरे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, बट इतनी सही चीज़ है, मतलब हाईली रिकमेंडेड. आप ओपन करके बताते हैं आपको मज़ा आ जाएगा. पहले आप इसका साइज़ देखिए, ये कितना है, ठीक है, एकदम छोटा सा दिखना है ना. अब हम इसको ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये क्या है. हाँ करिए ओपन, इतना स्टाइल. तो ये देखिए ये चटाई है, अभी ऊपर पकड़ के दिखाओ. हाँ तो ये इस तरह से आप होल्ड भी कर सकते हैं, ये ऐसे ओपन होती है. नाउ ये बेडिंग बन गई. 5x6 का ये वो है मैट चटाई है. एंड यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि आपको सीधे चटाई पे सोने को मिल रहा है, दिस इज अ फोम, पतला सा इसके अंदर फोम है. सोने में अजीब तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया नींद आएगी. उल्टा जिन लोगों को भी कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, बेस्ट है ये चीज. सस्टेनेबल, ये आपकी बेडिंग बन गई है. तो मतलब इन केस इफ यू वांट टू, अब सो के भी दिखाओगे क्या? यस नाउ प्लीज गो आउट, हमें सोने दो.
बट जो रुई वाले गद्दे होते हैं ना, जो कॉटन वाले पुराने वाले जो गद्दे चलते हैं, वो गद्दा अभी सिर्फ एक बचा था, तो वो भी अब हम लोग निकाल देंगे या देखते हैं उसको रखे रहने देंगे। काफ़ी सारी जगह हो गई है सोने की, तो ये तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में कि आप कार में रख के इसको आराम से, स्पेशल पर्पस भी है वो आपको बाद में, हाँ इसका एक स्पेशल पर्पस है वो भी कमिंग व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि पर्पस जो है वो मेन ऐसा फालतू में नहीं मंगवाया है, मेन जिस काम के लिए हमने मंगवाया है वो आपको 15-20 दिन में पता चलेगा। सो इसके लिए मंगवाया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड हाँ, हम कहीं जा नहीं रहे छुट्टी वुट्टी मनाने, ये मत समझने लगना कि हम कोविड में कहीं छुट्टी मनाने जा रहे हैं। I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. जो भी क्लीनिंग थी पूरे घर की मेरी, अच्छे से क्लीन हो चुका है सब कुछ, डस्टिंग वस्टिंग सब चमक गया है एकदम। तो फ्राइडे का ये वाला काम सॉर्ट हो गया है, कपड़े डल गए हैं वॉश होने के लिए, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। लेट हो गई मैं खाना बनाने में, बट ठीक है। मेरे पास पार्सल आया है, तो एक तो ज़िवामे और दूसरा नायका, ये इतने स्पीड में इनके पार्सल्स आते हैं, मतलब विद इन 24 आवर्स में मैं ऑर्डर करती हूँ। जैसे इवन मैं पे वाला भी करती हूँ ना, नायका का तो पेमेंट वाला करती हूँ मैं, तो वो भी करती हूँ, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर पे आ जाता है। इनके ज़िवामे भी मैंने परसों किया था और आज ही सुबह मेरे घर पे आ गया है दो। दिस इज़ अ कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन के लिए आया है, तो देखती हूँ या तो आज ही शूट कर करा के मैं फ्री हो जाऊँगी, या फिर अदरवाइज फिर मुझे वीकेंड में करना पड़ेगा। एंड किचन वापस से पूरा क्लीन हो चुका है, खाना बन चुका है और कपड़े भी जो है वो वॉश हो गए हैं, तो लगे हाथ इनको फटाफट से सब कुछ ड्राई कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं शार लेने के लिए जाऊँगी। एंड फिर देखते हैं, आज मैंने सोचा था DIY करने का, बट पहले मैं वीडियो शूट करके फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद DIY शूट करना स्टार्ट करूँगी। तो यस, आई जस्ट टुक शार, तो शार वगैरह सब हो गया है, आज मैंने हेयर वॉश किया है। एंड अभी तक मेरे पास जो एक्चुअली ज़िवामे क्या होता है ना, जब आप किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हो तो वो लोग पॉइंटर्स भेजते हैं, पॉइंटर्स मतलब ब्रीफ भेजते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आपको सेल अनाउंसमेंट करना है, आप मेरा डिस्काउंट कोड और ये सारे 5-6 पॉइंटर्स दे देते हैं वो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ। बट वो अभी तक आए ही नहीं है, वो आएगा, वो कल वाला आएगा, सैटरडे संडे खराब, सैटरडे संडे में से आएगा। मैं सोच रही थी आज बना बनू कि मैं फ्री हो जाती और आज मैं उसको एडिट भी कर लेती, तो फिर मेरा सैटरडे संडे थोड़ा फ्री हो जाता। बट अब ठीक है, वो लोग जब मेल करेंगे, ऑल्दो मैंने उनको मेल कर दिया है। एंड ऑल्सो विक्की के लिए मैंने कुछ मंगवाया है। क्या होता है, विक्की डजंट लाइक एट ऑल कि मैं उसको नॉर्मली, आपको देखा होगा अपने वीडियो में वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कपड़े वपड़े सब चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। बट उसकी एक हाथ टी शर्ट जो है, जो अभी हमने जस्ट निकाली है, वो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अब मैं क्या करने लग गई हूँ, एक्चुअली गेट बंद है, उसकी कॉल चल रही है, तो इसलिए मैं इतना धीरे बोल रही हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं कल्टी में इसके लिए टी शर्ट मंगवाती हूँ। ये अब बिना वीडियो देखेगा तब चिल्लाएगा मेरे ऊपर, बट बता रही हूँ। तो मैं कल्टी में उसके लिए टी शर्ट मंगवाती हूँ, ठीक है। मैंने ये दो टी शर्ट्स मंगवाए, साइज़ तो मुझे पता ही है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इसका ये सब टैग्स वैग्स जो है वो निकाल दूँगी, और टैग निकालने के बाद इसको वॉश करने डाल दूँगी, और जब वो ड्राई हो जाएंगे तो वो थोड़े पुराना पुराना सा लगने लगेगा और ये भूल जाएगा कि ये मेरे पास टी शर्ट था कि नहीं था एंड ऑल दैट। उसको इन सब चीज़ों में बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट है और कुछ समझ में भी नहीं आता है ये सारी चीज़ें, वो ध्यान भी नहीं देता है। तो मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन सी दो टी शर्ट्स मंगवाई हैं। एक तो मैंने ना ये ब्लू कलर की मंगवाई है, कॉटन की टी शर्ट है, सेल चल रही है ना अभी, तो ये मुझे 600 कुछ में पड़ी है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, सो दिस इज़ इन द साइज़ M। और एक मैंने ये ग्रे कलर की मंगवाई है,
और अगेन दिस इज़ इन द साइज M, ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है। तो उसके पास ब्लैक, ग्रे या ब्लू मोस्टली यही शेड्स होते हैं, तो इसमें ना और काफ़ी सारे उसके पास ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के घर में पहनने के, तो वो इसमें जेल हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा उसको। तो ऐसे करके मैं उसको मिनी सरप्राइजेस देती रहती हूँ जो उसको पता भी नहीं चलता है। लास्ट टाइम भी मैं दो बार ऐसा कर चुकी हूँ, ये थर्ड टाइम कर रही हूँ, तो अब शायद वीडियो में मैंने बता दिया तो अब भांडा फूट जाएगा, बट फिर भी उसको आगे भी करूँगी तो समझ में नहीं आने वाला है। तो ये मैंने करके रखा हुआ है। और मैंने अभी इसे साइज़ मेजर करी थी, ये एक पुरानी टी शर्ट है उसकी, उससे मैं इसका साइज़ मेजर करी थी। तो निंजा टेक्निक्स। और अब ठीक है, अभी वीडियो तो मैं बना नहीं रही हूँ, तो मैं फटाफट से अपना DIY करने के लिए बैठती हूँ। सोच रही हूँ यहाँ हॉल में तो नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो आई टेक दिस सेंटर टेबल इन टू माई बेडरूम और वहाँ पर बैठ करके फिर मैं आराम से बनाऊँगी। लाइट्स वाइट्स का भी इशू नहीं है यहाँ पर भी, रोशनी तो तीनों चारों रूम्स में काफ़ी अच्छी आती है। थोड़े से बाल ड्राई कर लेती हूँ और फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी मोल्डेड की। और अब मैं जो बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं इसको यूज़ करूँगी या फिर मैं इसको यूज़ करूँगी, आई रियली डोंट नो। तो मैं ये दोनों को ही लेके जा रही हूँ। उसके बाद मुझे बेस कलर के लिए चाहिए रहेगा ये वाला वाइट चॉक पेंट, एंड उसके बाद फिर कलर्स देखते हैं। कलर्स मैं बिल्कुल एंड में लेकर के जाऊंगी, पहले मैं जो बेस है वो कर लेती हूँ, वो सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारे चॉक पेंस कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये मेरा सेटअप रहने वाला है आज। नीचे का सामान प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो ऊपर मैंने ये मेरे साइड में सारी चीज़ें रख ली हैं, ब्रशेज़ वगैरह, एंड इस तरीके से अभी। मेरी जो बैक की हालत है वो इतनी गंदी तरीके से पेन हो रहा है। वैसे भी मैं DIY करती रहती हूँ, बट जब भी करती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि नेक्स्ट जब भी मैं मेकओवर करूँगी मुझे एक स्टैटिक जगह चाहिए अपने DIY के लिए। तो इसको बनाने में मुझे 4 घंटे लग गए। एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती है जब आप इस तरह के कुछ आर्ट करती हो ना, आज मेरा स्क्रीन टाइम हार्डली 1 या 2 घंटे होगा। एक तो सुबह वो जब मैंने काम किया अपना, और उसके बाद से मैं कुछ ना तो YouTube वीडियोस देख रही हूँ, ना मैं कोई Netflix देख रही हूँ, ना मैं कुछ और देख रही हूँ, ना मैंने अपना मोबाइल 100 बार देखा है, बस फोन्स आ रहे हैं उन पर बात करी और एक आध मैसेज वैसेज पर बात करी है, बाकी मैं मोबाइल में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। मतलब मेरा पूरा ध्यान इस DIY में है, तो मुझे करने में तो लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ये मेरा मेस है, ये देखिए, अभी इसको साफ़ करने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा जब मैं ये सब क्लीन करूँगी तो। एंड हाँ, काफ़ी लोग मुझसे जैसे इंस्टाग्राम पे मैं डालती हूँ ना दैट वर्क इन प्रोग्रेस और समथिंग लाइक दैट, तो लोग बोलते हैं कि आप अपना आर्ट कलेक्शन दिखाओ, आर्ट कलेक्शन दिखाओ आपके पास क्या है। तो वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा आर्ट कलेक्शन नहीं है, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं जैसे जो DIY जिनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनके पास बहुत होता है, बट फिर भी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो मच तो मैं एक किसी वीडियो में नेक्स्ट कभी अपना जितना भी आर्ट कलेक्शन है वो मैं बताऊँगी। क्योंकि इन सब की जो भी अभी आपने देखा ना कि मैंने बाहर वाली जो TV यूनिट है उसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस आ रहा है यहाँ के, यहाँ पर रखाएगा वो चेस्ट ऑफ ड्रॉ टाइप का लेने का सोच रही हूँ मैं इसके लिए स्पेसिफिकली, ताकि मैं सारी चीज़ें एक साथ रख सकूँ और मुझे दिखती रहें और ईजी रहें, हैंडी रहे, मतलब यूज़ करने के लिए। तो तब मैं पूरा टूर दूंगी अपने आर्ट सप्लाईज का। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। अभी मैं नॉर्मल अपना स्किन केयर फॉलो करूँगी, कोई सीरीज देखेंगी हम। गुड नाइट, कल सुबह मिलती हूँ। हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है। वैसे तो सुबह 8 बजे ही हो गई थी, बट अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 10 बजे। तो एक्चुअली ये है, मैंने अपने बालों को ना वो ब्रेड्स बना करके सोई थी मैं। सो कर्लिंग करने की निंजा टेक्निक है ये। कर्टन्स ओपन कर लेती हूँ, लाइट क्यों वो कर रही हूँ। सो दिस इज अ निंजा टेक्निक ऑफ हैविंग अ नाइस नेचुरली कर्ली हेयर। तो मैं अभी इसको आपको ना ओपन करके बताती हूँ कि ये कैसे लगेंगे, बिल्कुल हीटलेस कर्ल्स हो जाएंगे। मैं अब आपको ओपन करके बताती हूँ कि ये कितने सही लगेंगे। और सी दिस, आपको ऐसे ब्रेड बना करके गुड़ू मुड़ू करके सो जाना होता है बालों को, मतलब सो जाओ ये करके। एंड लुक एट दिस, नाइस है, आगे से स्ट्रेट है और पीछे से पूरे ये कर्ली कर्ली। आपको कोई अच्छी जगह जाना है तो ये ना एकदम नीट नहीं होते हैं, जैसे जो अपन मशीन से करते हैं ना, हीट यूज करके करते हैं, वो बहुत नीट होते हैं। तो ये मतलब ऐसे काम चलाओ नॉर्मल घर के में ही, आपको कुछ ऐसा नॉर्मल है करना है उसके लिए ठीक है, बट हाँ। तो ये है
माई न्यू हेयर, आई एम लविंग इट. मुझे कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड अभी ब्रेकफास्ट में बना है पोहे. हमारे ब्रेकफास्ट में क्या बनता है? पोहे. और मैं बताऊँ एक और रीज़न, आज विक्की जलेबी भी मंगवाई है हम लोगों ने, जलेबी लेकर के आए हैं. और एक और चीज़, हम विक्की पोहा बनाने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट पता है क्यों है, ये मुझे बता रहा था. जब हमारी शादी होने वाली थी ना, तो ये वेट इसका बीच में बहुत वेट बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा. ये तैयारी कर रहा था क्योंकि था बैंक वैंक की, तो इसका वेट बहुत बढ़ गया था. तो इसने 3 months क्या खाया था? सिर्फ सुबह शाम. इस बंदे ने 3 महीने सिर्फ और सिर्फ दिन में तीन बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके जाता था पोहा. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. लंच में भी पोहा, डिनर में भी पोहा. सर, अरे वो इंटरव्यू लेना है. किसका? लोगों के. तो उनको भी जीने दो सैटरडे को. सैटरडे को ही सब लेना होता है. हाँ, हमने रुको, दिख नहीं रहे हो. हाँ, हमने 3 बार पोहा खाया. ओके. सुबह उठने के बाद, दोपहर में भी, और शाम को भी. मात्र 3 बार सिर्फ पोहा खाओ, 3 महीने तक आप पतले हो जाओगे. मैंने 88 से 72 कर दिया था वेट अपना 3 महीने. ये रहा पोहा. ये ना कोई ऐसा निंजा टेक्निक नहीं है इसकी पोहा बनाने की. आज मैं देख रही थी, बहुत ही सिंपल से तरीके से पोहा बनाता है, बट इसके हाथों में ना टेस्ट है पोहे का बहुत. ये है हम लोगों का आज का ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. पोहा विद अनार, जलेबी एंड ढोकला. प्रॉपर भोपाली इंदौरी ब्रेकफास्ट है ये. हाय एवरीवन, सो मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्टली शाम को. तो आई थिंक, पता नहीं मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी आ रहे हैं, यही हमारे सोसाइटी में रहते हैं वाले. अभी क्या है ना, अभी देखो हम लोग वैसे तो कहीं जाते नहीं है, लाइक रेस्टोरेंट्स और घूमने फिरने हम कहीं नहीं जाते. जो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो ये है कि एक दूसरे के घर में चले जाते हैं, दैट्स इट. और बाहर से अगर मंगवाना होता है तो मंगवा लेते हैं. तो डिनर के लिए ऑब्वियसली बाहर से ही मंगवाएंगे. अभी कौन बनाता बैठेगा यार. मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई आ रहा है तो साथ में बैठ करके मैं इन्जॉय करूं. और खाना वाना कौन इतनी गर्मी में. घर अभी काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन व्लीन सब कर दिया है. वैसे तो क्लीन ही था, कल ही मैंने क्लीनिंग कर दिया, फ्राइडे को मैंने क्लीनिंग कर दिया था. बट स्टिल थोड़ा अच्छा लगता है कोई आता है तो मैं थोड़ा टचअप कर देती हूँ. और आज का वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है. मैंने एक्सपेक्ट करी थी थोड़ी बारिश होती, क्योंकि अभी जैसे ही बारिश रुकती है ना, यहाँ पर ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो जाती है. और ह्यूमिडिटी तो वहाँ पर मतलब शार लेकर के आते हैं तो भी बहुत गर्मी गर्मी लगती है. और मैं मतलब एकदम ऐसे कैजुअल नाइट ड्रेस पहनी हुई हूँ. और हम लोग, जो मेरी फ्रेंड है, मैं और निशा, हम लोग यही बात कर रहे थे. मैं उसको बोल रही थी, वो बोलती यार मैं अब तुम्हारे घर पर आऊँगी तो मैं ना नाइट सूट पहन करके आऊँगी. मैंने कहा हाँ, हो गया. जो फर्स्ट टाइम में मिलने का वाला था ना, फॉर्मेलिटी वाला, वो हम मिल लिए हैं. अब हम ऐसे ही मिलेंगे बिल्कुल नॉर्मल, जैसे घर पर रहते हैं उसी तरीके से. और मेरे कैमरे की जो बैटरी है वो जाने वाली. विक्की अभी शार लेने गया है क्योंकि वो ना एक्सरसाइज कर रहा था. तो मैं सोच रही हूँ आज ये भी ऑन कर लेती हूँ, बहुत दिन से ऑन नहीं किया है. पता नहीं ये चालू होगा अभी कि नहीं होगा. तो इसका पानी फेंक देते हैं. वासु का जो एसेंशियल ऑयल है लैवेंडर वाला, ये मैं यूज़ कर रही हूँ. एक्सटेंशन बोर्ड है उसके, उसके वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं. और अच्छी खुशबू आ रही है. ये मैं लगाया है तो एकदम महक रहा है रूम. पता नहीं, ये मैं पहले बहुत उधर उस पुराने घर में रहती तो मैं इसको बहुत ऑन करती थी, बट अभी ना ज़रूरत नहीं पड़ती इसको ऑन करने की, बट मैं करा करूँगी. हे गाइस, तो मुझे एक और चीज़ बताना था. विक्की को जो मैंने कल टी शर्ट मंगवाई थी, वो मैंने उसको सब करवा करू के पहनवा भी दी है. उसको पता भी नहीं चला कि मैंने नई टी शर्ट उसको पहनाई है. मैं फिर दिखाती हूँ, वो फ़ोन पे बात कर रहा है इसलिए फटाक से बताने के लिए आई हूँ. तो मैं उसको दिखाती हूँ. वेट, उसको कुछ पता नहीं चला. देखा, उसको ये जरूर डाउट हो गया. वो मुझे बोलता है ये वाली टी शर्ट मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसके वार्डरोब में थी या नहीं थी. क्योंकि काफ़ी सारी उसकी ऐसी टी शर्ट्स होती हैं जो वो मतलब रखी हैं, 4-5 एक्स्ट्रा रखी रहती हैं. तो उसको लग रहा है कि ये शर्ट उसमें से कोई है. उसको ये नहीं पता चला है कि मैं नई मैंने मंगवाई है. और जो मेन्यू है उसमें ये है. पहले हम लोगों का ये डिसाइडेड था, मतलब सुबह हमने ये प्लान किया था कि हम लोग मंगवाएंगे छोले भटूरे. एंड जिस रेस्टोरेंट के, हम सिर्फ 2 रेस्टोरेंट्स के छोले भटूरे खाते हैं. पूरे थाने में ऑथेंटिक छोले भटूरे अगर कहीं मिलते हैं ना, तो वो वही हैं. और उसके अलावा हम कहीं का नहीं खाते हैं. क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे ना इस नए घर में, तो 5 दिन हमने सुबह शाम खाना मंगवाया ही था, मतलब घर का नहीं बनाया था. तो उन 5 डेज में हमने आसपास के सारे अच्छे रेटिंग्स वाले रेस्टोरेंट सब ट्राई कर लिए थे ऑलमोस्ट. और हमको ये तो समझ में आ गया था, है ना, कि वो जो 2 हैं अपने हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बेस्ट हैं. किसी भी कुछ भी खाना उनका मंगवा लो, नॉर्थ इंडियन फूड स्पेशली. तो वो ना डिलीवर नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि सैटरडे है. हम लोग मंगवा चुके हैं 2-3 बार छोले भटूरे, और इतने टेस्टी होते हैं कि मतलब आप सोचो
दो इतने बड़े बड़े भटूरे मैं खा लेती हूँ. तो हमने हमारे यहीं घर के पास में एक बहुत अच्छे साउथ इंडियन फूड का ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड मिलता है, तो हमने कहा चलो अभी इडली वगैरह खाते हैं, क्योंकि इडली सांभर और डोसा मंगवाया है और साथ में स्टार्टर्स में विक्की कुछ देख रहा है क्या मंगवा रहा है, और मैंने डेजर्ट में मैकफ्लरी ओरियो शेक मंगवाया हुआ है. किया था ब्लॉग का. सो द थिंग इज कि कल हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग 12:30 बजे तक बैठ करके गप मार रहे थे. मतलब इमेजिन 8 से 12 या 12:30 बहुत देर तक बातें करी, खत्म, नॉन स्टॉप बातें. चलो कल बाहर का खाया था, आज भी थोड़ा सा बाहर का खा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक कुछ बाहर का नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने पिछला जो वीक था ना वो हमने उसमें बाहर का कुछ नहीं खाया था. तो फिर मेरा मन हो गया था कि आज भी खाते हैं, विक्की को भी उसका कुछ मंगवाना था खाने के लिए. हाँ, तो हमारे घर में पता नहीं है कहाँ से वो आ जाती हैं, मधुमक्खियाँ आ जाती हैं. तो दो आती ही आती हैं, उनका नाम एक का है सुशी और दूसरी का नाम है सलमा. तो ये सुशी सलमा अपनी बहनों को लेके आ भटक रही है इधर पे. एक आती थी पहले तो मुझे लगता था चलो फूलों को करेंगी अच्छा करके जाएंगी, बट ये हमारी जो एक तो आती है सुशी, दूसरी आती है सलमा, और मिलने किससे आती है ये ये रुचि से मिलने आती है. एक घंटे तक यहाँ खड़े होकर के निकल 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 उनके क्या के लड़ू क्या काट लेंगे मुझे तो झाड़ू लेकर के करती कम से कम ये काम. यहाँ खड़े होकर के वहाँ पर खड़ी हुई है मतलब वहाँ पर चल निकल यार वापस निकल. अभी भाई इतना आती है डेली आती है डेली आके जाती है, तो मैंने कहा पहचान हो गई है तो वो अच्छे से बोल देते है कि चल निकल. तो ऐसा तो लेकिन अभी ये निकली तो है, पर वो सुशी शर्मा सुशी और सलमा जो है वो अपनी बहनों को लेके आ गई हैं. तो हाँ अभी हम लोग करते हैं लंच और आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म. मैं एक और DIY आज स्टार्ट करने वाली हूँ, अपना संडे वेस्ट नहीं करूँगी, मुझे आज एक और DIY करना है बहुत ही अमेजिंग सा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरा ब्लॉग आज से स्टार्ट करने वाली हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. देखो इसको सारी खटर पटर तब करनी होती है जब मैं वीडियो कर रही होती हूँ, वैसे ही शांति से बैठा रहेगा ठीक है. देखो देखो चटोरे को, चटोरा चटोरा स्पॉटेड, चटोरा स्पॉटेड. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल. ये मैंने जो बनाया है ओके देखो फ्राइड राइस. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. और हाँ हेलो सर, एक ऐसी चीज जो सब्सक्राइबर्स को पता है लेकिन आपको नहीं पता, बताओ. बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में आंसर दिया इसको नहीं पता है. चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.